हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपिन गिरी और आप देख रहे हैं एरे कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विंडो 11 की। विंडो 11 को कैसे मैं ऑफिशियल वर्जन का उसका डाउनलोड करके अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना के अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में उसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। पर आप सभी जानते हैं कि विंडोज 11 को इंस्टॉलेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनमें से एक है टीपीएम 2.0, यानी कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, जो एक विंडो 11 का सिक्योरिटी फीचर है। पर हम बात करें अपने पुराने पीसी की, जो हमारे 3 से 4 साल पुराने पीसी या लैपटॉप है, उनमें विंडो 11 इंस्टॉलेशन करते वक्त हमें ये एरर देखने को मिलता है, यानी कि ये रिक्वायरमेंट उसमें पूरी नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप टीपीएम 2.0 को बाईपास करके अपने पुरानी लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडो 11 का इजिली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और करते हैं अपना गूगल क्रोम वेब ब्राउजर, यहाँ पर हम टाइप करेंगे विंडो 11 डाउनलोड, जो कि हमें अपनी पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के लिए विंडो 11 की आईएसओ फाइल की जरूरत है। उसको हम डाउनलोड करेंगे विंडो 11 की ऑफिशियल वेबसाइट से। जस्ट हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है डाउनलोड विंडो आईएसओ फाइल, जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज का। जस्ट हमें सिलेक्ट करना है विंडो 11 मल्टी एडिशन आईएसओ फाइल, डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन आएगा मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद ऑप्शन आएगा 64-बिट डाउनलोड। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा विंडो 11 का आईएसओ फाइल का वर्जन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने विंडो 11 का आईएसओ फाइल का डाउनलोड कर रखा है। इसके साथ ही हमें जरूरत होगी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए टूल की। तो हम गूगल पे अगेन सर्च करते हैं रूफस RUFUS, पहली जो वेबसाइट के लिंक आ जाएगा। जस्ट हम इस पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रूफस 3.17, जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप उसको जस्ट क्लिक करेंगे और उस टूल्स को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए वो हमारा डाउनलोड हो चुका है। साथ ही हमारे पास है विंडो 11 की एक आईएसओ फाइल हमारे इसके लिए, और साथ ही सामने चाहिए एक पेन ड्राइव 8 GB की। हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके यस करते हैं। हमारा पेन ड्राइव ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। मिनिमम 8 GB की हमें पेन ड्राइव चाहिए बूटेबल बनाने के लिए। साथ ही यहाँ दूसरा ऑप्शन है बूट सिलेक्शन का। यहाँ पर हम अपनी सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके विंडोज 11 की आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन है इमेज ऑप्शन का। यहाँ पर ऑलरेडी स्टैंडर्ड विंडोज 11 इंस्टॉलेशन टीपीएम 2.0 प्लस सिक्योर बूट सिलेक्ट है। गाइस, अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे तो ये पेन ड्राइव हमारी सिर्फ उन्हीं सिस्टम पे बूट करेगी, प्रॉपर उसी नई सिस्टम पे इंस्टॉलेशन होगा जिसमें टीपीएम 2.0 है। बट हमें यूज करना है उन सिस्टम पे जिसमें हमारा टीपीएम 2.0 नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नॉन टीपीएम नो सिक्योर बूट का ऑप्शन दिया रहा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको कुछ नहीं करना, बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट होने के लिए एक वार्निंग आएगी। अगर आपका पेन ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसको कॉपी कर लिए, अदरवाइज वो डाटा डिलीट हो जाएगा। जस्ट आपको ओके करना है। इसके बाद आपका कुछ 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा आपके सिस्टम की स्पीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका पेन ड्राइव बन के रेडी हो जाएगा। मैं इस वीडियो को थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रेडी का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं हमारा पेन ड्राइव बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर रेडी का ऑप्शन लिखा हुआ आ गया है, हमारा पेन ड्राइव बन चुका है। क्लोज करेंगे, पेन ड्राइव को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा विंडो 11 का पेन ड्राइव बूटेबल बनकर रेडी हो चुका है, जिसकी मदद से हम विंडो 11 का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा विंडो 11 का पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है। अब हम इसको बूट करेंगे विंडो 11 इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो मैं F8 प्रेस करता हूँ क्योंकि मेरा आसुस का मदरबोर्ड है। सभी मदरबोर्ड के लिए अलग अलग बूट मेन्यू क्यू होती है, जो कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैंने अपनी सैंडिस्क की पेन ड्राइव इसमें बूट कराई सेलेक्ट करके। अभी मेरा पेन ड्राइव बूट होगा विंडोज 11 इंस्टॉलेशन करने के लिए। पेन ड्राइव बूट हो गया, हमारा आगे का प्रोसेस आ गया है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्टेड है, यहाँ हमें नेक्स्ट करना है। देन अगेन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ये आपको प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन का आ रहा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं,
हमारे पास नहीं, तो यहाँ आप आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करके प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपके ऑल वर्जन विंडोज 11 के दे रखे हैं, आप जो मर्जी विंडो 11 का वर्जन कर सकते हैं, एजुकेशन, विंडोज़ होम, पर हमें विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉलेशन करना है, तो इसको सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट का ऑप्शन आ रहा है, टिक मार्क लगा के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, अपग्रेड का और एक कस्टम का। अपग्रेड का से मतलब है कि अगर आपका विंडोज़ 10 पहले से इंस्टॉल्ड है और आपको उसको 11 में अपग्रेड करना है, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू भी आप उसको 11 में अपग्रेड कर सकते हो। बट अभी हमें यहाँ पे क्लीन विंडो 11 का इंस्टॉलेशन करना है, तो हम ये कस्टम पे सेलेक्ट करेंगे और हमारा ड्राइव, जो हार्ड ड्राइव के पार्टीशन है, सभी शो होंगे इस बूट में। तो आप देख सकते हैं इसमें मेरे तीन पार्टीशन बने हुए हैं, एक 100 GB का विंडोज़ 10 का है जो मेरा ऑलरेडी विंडोज़ 10 इसमें इंस्टॉलेशन था, इसके अलावा डी और ई, ये मेरे दो पार्टीशन हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पार्टीशन की डिटेल दे देता हूँ कि अगर आपको डी और ई का डाटा बचाना है, या आपका इन ड्राइवों में डाटा है बट आपको ओनली सी ड्राइव फॉर्मेट करना है, तो आप सी ड्राइव को सेलेक्ट करके उसको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके। और इसके अलावा जितने भी सिस्टम MBR या रिस्टोर वाले, जो रिकवरी वाले पार्टीशन है, सभी को डिलीट कर देंगे, बट अपने डाटा वाले फोल्डर को बचा के। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा जो पहले विंडोज़ वाला पार्टीशन था वो अनलोकेटेड हो गया है, इसके अलावा डी और ई, ये मेरा पार्टीशन सेम का सेम ऐसा है। आप अगर इसको सेलेक्ट करके न्यू पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये आपका 100 GB का पार्टीशन विंडोज़ इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो जाएगा। बट आपको पार्टीशन चेंजेस करने या न्यू हार्ड ड्राइव है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये तो हो गया कि आपका डाटा डी और ई का बचाना है, बट आप अगर आपको कंप्लीट पार्टीशन अपने हिसाब से देना है कि नहीं मुझे 100 का नहीं देना, मुझे 50 का देना है या 200 का, जैसा आपको मुझे, तो उस कंडीशन में मैं आपको वो भी क्लीन करके दिखा देता हूँ कि मैं सभी पार्टीशनों को डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके, एक एक करके पार्टीशन डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो SSD है 256 GB की है, 238 शो कर रही है। आपकी 1 TB हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, 500 GB भी हो सकती है, जो भी हो सकती है। अनलोकेटेड होने के बाद आपको इसमें से पार्टीशन क्रिएट करनी है। पार्टीशन क्रिएट कैसे होंगी, सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे न्यू पे क्लिक करना है, और यह जो डिजिट है ये MB में डिजिट है, बट MB का हमें बनाना है GB में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे आपको GB में बनाना है, तो 1024 से आप मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी GB करना है। अभी मेरे को 100 GB का पार्टीशन इसमें सी ड्राइव का चाहिए, तो जो डिजिट मल्टीप्लाई होके आएगी वो लगभग इसके आसपास आएगी। तो मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो मेरा ये पहला 100 GB का पार्टीशन क्रिएट हो गया सी ड्राइव, जिसमें हमें विंडो इंस्टॉलेशन करना है। अब चाहे तो आप इसको सेलेक्ट करके जस्ट नेक्स्ट न्यू पे कर नेक्स्ट पे क्लिक करके विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। बाकी का जो बचा हुआ है हमारा पार्टीशन अनलोकेटेड, इसको हम डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू भी पार्टीशन बना सकते हैं, या आपको अगर यहाँ क्रिएट करना है तो यहाँ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक पार्टीशन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अनलोकेटेड को सेलेक्ट किया, गया न्यू पे क्लिक किया, और इसको मैं 50-50 कर लेता हूँ, 7 अप्लाई, और ये हमारे एक और पार्टीशन क्रिएट हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे अनलोकेटेड पार्टीशन एक और दिखा रहा है कि हम इसमें और पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक और पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा सी डी ई तीन पार्टीशन क्रिएट हो गए, बट हमें जो विंडो इंस्टॉलेशन करना है वो 100 GB वाले पे करना है, तो 100 GB वाले पे सिलेक्ट करके जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे कि आपका टाइम बचे देखने में। यह हमारा फाइल कॉपी हो चुकी है, अब सिस्टम हमारा रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद आप अपनी पेन ड्राइव सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं या लगी भी रहने दे सकते हैं, बट आपका जो बूट होना चाहिए वो हार्ड ड्राइव बूट होना चाहिए।
यहाँ पर मैं कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो अभी हम यूनाइटेड स्टेट ही सेलेक्ट करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश इंडिया कीबोर्ड मेथड यूज सेलेक्ट करके यस पे क्लिक करेंगे। सेकंड कीबोर्ड लेआउट ऐड करने के लिए यहाँ हमें बोला जा रहा है, बट हम यहाँ स्किप पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नेट कनेक्टेड है तो नेट होगा, बट मैं कहूँगा कि आप विंडो इंस्टॉलेशन करते हुए नेट को डिसकनेक्ट ही रखें, तो आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप पीसी का नाम दे सकते हैं, यूज़र नेम, फिलहाल मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, योर आई हरेक कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट पासवर्ड अगर आप डालना चाहें तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ विदाउट पासवर्ड। देन नेक्स्ट 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 एक्सेप्ट। हमारा विंडो 11 कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका स्टार्ट मेन्यू कुछ इस तरह का है, पर्सनलाइज। काफ़ी लुक बेटर है। और देखते हैं इसमें क्या लुक है। स्पेसिंग, ये मेरा 100 GB का सी ड्राइव का पार्टीशन, बट इसके अलावा मैंने दो पार्टीशन और क्रिएट किए थे, डी और ई, वो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहे, तो उन्हें शो कैसे करेंगे उसके लिए हम दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे, यहाँ मैनेज का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मैनेज का ऑप्शन शो होगा। इसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा सी ड्राइव और डी और ई जो कि अभी अनलोकेटेड पार्टीशन है, इसको हम ड्राइव लेटर इसमें ऐड करेंगे। डी देन अगेन ई, यहाँ पर हमारा सी डी ई दो तीनों पार्टीशन आ चुके हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। हमारा विंडो रेडी हो चुका है सेटअप। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको चेक करा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा प्रोसेसर लगा है पेंटियम प्रोसेसर है 4th जनरेशन का, इसमें टीपीएम नहीं है, फिर भी हमने इसमें विंडोज 11 इंस्टॉलेशन किया है। आप किसी भी 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन किसी भी इस मेथड के थ्रू आप विंडो 11 इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं विंडो 11 का। बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप अगर विंडो 11 में जा रहे हैं अपने ओल्ड पीसी में तो एसएसडी का ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो आपका सिस्टम स्लो परफॉर्म करेगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपको क्वेश्चन इंस्टॉलेशन के संबंधित आपको पूछना हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उस आपको पूरा पूरा सपोर्ट दूंगा। थैंक यू।